नमस्कार दोस्तों, अगर आपने कभी अपने घर का या अपने डेली यूज या फिर अपने दफ्तर का कोई सामान बेचना हो तो आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे इट्स वेरी सिंपल, ओएलएक्स पर बेच देंगे। लेकिन वाराणसी के इन महाशय की करतूत आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वाराणसी के इस नटवर लाल ने प्रधानमंत्री जी के दफ्तर को ही बेचने की कोशिश कर दी। जी हाँ, ओएलएक्स में पीएम मोदी के कार्यालय की तस्वीर पोस्ट कर दी और उसकी कीमत भी तय कर दी। दरअसल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय कार्यालय है, जिस तरीके से हर सांसद का होता है, और उसी संसदीय कार्यालय की तस्वीर ओएलएक्स पर पोस्ट की, साथ ही 7 करोड़ कीमत भी उस कार्यालय की उसमें निर्धारित कर दी। अब आप सोचेंगे कि आखिर इतनी बड़ी ठगी को, इतने बड़े कारनामे को अंजाम कैसे दिया गया? चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल गुरुवार को कुछ शरारती तत्वों ने पीएम मोदी के इस कार्यालय की तस्वीर पोस्ट की और साथ ही 7 करोड़ रुपए कीमत भी उसमें लिख डाली। साथ ही विज्ञापन में तरह तरह की क्वालिटीज के बारे में भी जिक्र किया गया था, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। विज्ञापन में लिखा था हाउस का प्रकार, हाउसेज एंड विला, 4 बेडरूम बाथरूम के साथ, फुली फर्निश्ड, रेडी टू मूव, और तो और लिस्टेड बाय डीलर भी उसमें मेंशन किया हुआ था। बिल्डअप एरिया 6500 वर्ग फुट बताया गया था, 2 फ्लोर बताए गए थे, 2 कार पार्किंग बताई गई थी, साथ ही नॉर्थ ईस्ट फेंसिंग की भी जानकारी उस विज्ञापन में दे दी थी। वही प्रोजेक्ट नेम में पीएमओ ऑफिस वाराणसी लिखा गया था और ये विज्ञापन लक्ष्मीकांत ओझा नाम से डाला गया था। अब जब ये विज्ञापन ओएलएक्स पर पड़ गया तो तेजी से वायरल भी होने लग गया था। हो भी क्यों ना, क्योंकि पीएम मोदी के कार्यालय से जुड़ा जो विज्ञापन था, अब इसी विज्ञापन को लेकर किसी यूजर ने आगे रीट्वीट कर दिया और साथ ही ओएलएक्स को टैग भी कर दिया। अब जैसे ही ओएलएक्स तक ये बात पहुंची, फिर क्या था, इस पर अफरा तफरी तो मचनी ही थी। अब ओएलएक्स ने इस ट्वीट को, इस एडवर्टीजमेंट को, इस विज्ञापन को डिलीट कर दिया और कार्रवाई भी की, साथ ही ट्वीट भी किया कि इसे लेकर हम अपनी टीम के साथ संपर्क में हैं और इस पर एक्शन भी लिया जाएगा, जिसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब आनंद फानन ने, ओएलएक्स ने एक तरफ तो इस ट्वीट को हटाया, इस पोस्ट को हटाया, और साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इन 4ों में से एक की ही ये करतूत है। प्रधानमंत्री कार्यालय की फोटो खींच करके ओएलएक्स वेबसाइट पर डाली गई है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भीलूपुर में FIR दर्ज की गई और इस प्रकरण की जानकारी की गई। इस प्रकरण में सम्मिलित 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा फोटो खींच करके वेबसाइट पर डाली गई, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। अब आप यहाँ ये भी जान लीजिए कि ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जब ओएलएक्स पर कुछ इस तरीके का विज्ञापन दिया गया। इससे पहले अगस्त महीने में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर भारतीय वायुसेना के प्रतीक चिन्ह के तौर पर फाइटर प्लेन की तस्वीर भी किसी ने खींचकर ओएलएक्स पर डाल दी और उसकी कीमत करोड़ों में तय करके उसमें पोस्ट भी कर दी। तो चलिए अब आप समझ तो गए होंगे कि किस तरीके से आखिर ये ठगी ओएलएक्स के अंदर हो रही है। ओएलएक्स ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, इस विज्ञापन को डिलीट कर दिया और साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है कि किस तरीके से लोगों के बहकावे में ना आए, इस तरीके की ठगी का शिकार होने से बचे। तो आप भी सावधान रहिए और ओएलएक्स पर कुछ भी खरीदने से पहले या कुछ भी बेचने से पहले इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि कहीं आप भी इस तरीके की किसी भी ठगी का शिकार ना हो जाएं।